इंदौर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रेड मारते हुए एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। खजराना पुलिस ने मनोरमा मल्टी में छापा मारकर मौके से 6 महिलाओं के साथ ही 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पुलिस की रेड पड़ते ही मनोरमा मल्टी में हड़कंप मच गया। जहां महिलाएं अचानक पड़ी रेड से सकपका गयी, तो वहीं पुलिस को देख पुरुष अपना मुंह छुपाने लगे। आरोपियों से हजारों रुपए की नकदी पुलिस ने जब्त की है। सेक्स रैकेट की मुख्य महिला सरगना हेमलता उर्फ नीतू है, जिसने इंदौर में ये गंदा काम चलाया था। पुलिस ने प्लान के तहत ग्राहक भेजा और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम लगातार ऐसे अनैतिक व्यापारों की तलाश में रहती है और कल मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा 500 रुपये के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएँ मिली, जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएँ देह व्यापार में लिप्त थी, और 2 पुरुष ग्राहक भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। मौके से हमें आपत्तिजनक सामग्री मिली है और साथ ही उसमें ये किस मल्टी में रह रहे थे उसके बारे में जानकारी हम लोग उठा रहे हैं। इसका मकान मालिक कौन था, और चूंकि ये 1 से 2 महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं, इसमें दरअसल पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि पॉश कॉलोनी की मनोरमा मल्टी में सेक्स रैकेट चल रहा है। शिकायत पर अमल करते हुए पुलिस ने छापा मारा और 6 महिलाओं के साथ 2 पुरुषों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सभी महिलाओं की उम्र 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल की हैं, जो धंधा कराने के लिए यहां पर लाई गई थी। मुख्य सरगना महिलाओं गरीबी का फायदा उठाकर पश्चिम बंगाल से महिलाओं को इंदौर लाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देती थी। तो फिर यहां से वहां? नहीं नहीं, वो तो कलकत्ता की रहने वाली है और परिवार है उनका वहाँ पर, और वो इंदौर में आती जाती रहती है। बीच बीच में जो भी उनको बुलाता है इस व्यापार के लिए, वो आती जाती रहती है। उनके भी हम लोग कनेक्शन खंगाल रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश नहीं, कलकत्ता का ही है। नहीं उसमें वही पुलिस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। पूछताछ में शहर के कई नामी लोगों के संरक्षण और शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। पंजाब के स्टूडियो के लिए सचिन।